कि वो शख्स था जिसका कैमरे ने कब्र में जाने तक पीछा किया। आसिया की टांगे कांप रही थी और कह रही थी मैंने जान दो राय साहब आज साहब मैंने जान दो ये मार देंगे। उन्हें इस तरह हाथ फड़ के मजबूती नाल खोलता रहा कहना तेरे तो पहले मैं मरांगा। अब उनका जनाजा जा रहा था मुझे याद है इधर बालकोनी में बेशुमार औरतें खड़ी थी हो रही थी मेरे कानों में आवाज आई कि हुण जदों किसी की धी भैन की खतरे च होगी तो कौन बचाएगा। वो इस दौर का नहीं वो आने वाले दौर का भी बात जी। अदीब साहब मौजूद है राही साहब की याद में मोहब्बत में वो भी कुछ कहना चाहेंगे आइए इनके लबों से सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं माफी चाहना मैं आवाज देनी आंदी ना ना वो सर कॉपी हो रही यूट्यूब पे। मैं माफी चाहना मैं थोड़ा आज लेट आया और मैं जल्दी चला जाऊंगा इस वास्ते के पाकिस्तान टेलीविजन पहली बार सुल्तान राय साहब की बरसी मना रहा और पूरा दो घंटे का प्रोग्राम कर रहा। मेरा ख्याल है कि हैदर साहब ने मैंने इनवाइट किया सी लेकिन उन्होंने चूंकि माजरत कर ली लेकिन मैं माजरत करने के बावजूद उन्होंने मैं छुट्टी नहीं दी। मैं 15-20 मिनट अद्धे घंटे बाद चला जावांगा इस वास्ते मैं ये माइक फड़ लिया कि इतने मेरे दोस्त मेरे फनकार फिल्म इंडस्ट्री के वाली फिल्म इंडस्ट्री की असल शान ते आन सुल्तान राय के बारे च लोग गल कर रहे सन। सुल्तान राय साहब का जो जिक्र आवे तो मैं बड़ी खुशी होंगी है जो उस महफल में देखता है कि उसके जिक्र करने वाले लोग दूरों दूरों आते हैं और वह आते हैं जिन्हों का फिल्म इंडस्ट्री के नाल कोई गल नहीं जिन्हों का सिर्फ सुल्तान राय साहब की जात नाल उनके किरदार नाल मुहब्बत सी और कोई लालच नहीं सी और जिन्होंने लालच सी जो सारी जिंदगी सुल्तान राय को फायदा उठाते रहे बेशुमार बेकार डायरेक्टर उन्होंने हमेशा जिंदा रखिया हर टेक्नीशियन उन्होंने हर वेले उन्हों की मदद करके उन्होंने खुश रखिया। मैं दुख और अफसोस होंगे कि जो मैं इस महफल उन्होंने और खुशी इस गल की है कि अल्लाह तला का एक फरमान है हदीस है कि अल्लाह कहता है मुझे जब भी तलाश करो तो गरीब और छोटे लोगों में तलाश। मुझे खुशी होती है कि सुल्तान राही की इस बरसी में उनको दुआ देने वाले उनसे प्यार करने वाले मुझ जैसे छोटे और गरीब लोग हैं और यही सबूत है इस बात का। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में वाहिद एक आर्टिस्ट था जो आजाद इसको नसीब हुआ वो आज तक दुनिया में किसी आर्टिस्ट को नसीब नहीं और वो आजाद ये है कि ये वो शख्स था जिसका कैमरे ने कब्र में जाने तक पीछा किया। मुझे वो मंजर याद है जब मेरा दोस्त कब्र में लेटा हुआ था हमेशा की नींद के लिए और उनके मुंह से पर्दा हटाकर तमाम कैमरों ने एक्सपोज किया। ये आजाद ना हॉलीवुड के किसी एक्टर को मिला ना बॉलीवुड के दिलीप कुमार को मिला ना किसी और को मिला और ना मिलेगा। दूसरा आजाद उस शख्स के पास ये था कि वो आया और छा गया और ऐसा छाया कि अपनी मौत तक छाया रहा। दुनिया में बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए किसी ने 10 साल काम किया किसी ने 15 साल काम किया। आपके सामने हिंदुस्तान का जिसे सबसे बड़ा फनकार कहते हैं अमिताभ बच्चन 12-15 साल के बाद फारिग हो गए और बाकी लोग भी फारिग हो जाएंगे। वो वाहिद शख्स था जो अपनी मौत तक सुपरहिट हीरो रहा। मुझे आजाद ये है और मुझे फख्र है कि मेरी पहली फिल्म सुपरहिट वो भी उनके साथ थी उसका नाम वैशी जट था और जो आखिरी फिल्म थी वो भी सुपरहिट हुई उसका नाम सखी बादशाह। हाँ जी वो मैं दास्तान सुनाने लगा वो मैं सुनाने लगा था और इसीलिए मैंने ये माइक लिया है कि मैं आपको बताऊं कि आप लोग शायद ये समझते हैं कि सुल्तान राय इसलिए जिंदा है कि डायलॉग बहुत अच्छे बोलता था इसमें कोई शुबा नहीं
सर प्लीज नीचे बैठ जाए काइंडली, मेरी प्लीज SOPs को फॉलो करें। जब भी मैं बैठ जाए ना सारे नीचे यार, प्लीज बैठ जाए नीचे। जब भी मैं सुल्तान भाई के बारे में सोचता हूँ, प्लीज आपकी बात तो गौर से सुने, बैठ जाए नीचे प्लीज यार बैठ जाए। जब भी मैं सुल्तान भाई के बारे में सोचता हूँ मैं फैसला नहीं कर पाता। एक तरफ से मेरे जमीर की आवाज आती है, उस जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं था। दूसरी तरफ से मेरे जमीर की आवाज आती है, उस जैसा इंसान कोई नहीं था। और जब मैं काफी देर ये आवाजें सुनता हूँ तो आखिरकार मैं भी फैसला यही देता हूँ कि आर्टिस्ट तो वो लाजवाब था ही, लेकिन वो इंसान उससे भी ज्यादा लाजवाब। हमारा चश्मदीद मेरा देखा वाकया है, वैशी जट की शूटिंग थी, आसियत ही सेट पर इलियास कश्मीरी थे, सुल्तान भाई मरूम थे, हसन अस्करी साहब थे, मैं था, उनके असिस्टेंट थे, फाइटर थे, और 15-20 लोग थे हम। तो बंद रोड पर शूटिंग हो रही थी, ये उस दौर की बात है, सहमति थी ठीक ही, जब बंद रोड वीरान था। तो कहीं दरिया के अंदर रहने वाले 4-5 लड़के आ गए शूटिंग देखने के लिए, तो जैसे शौक लड़कों की आदत होती है उन्होंने आसिया को मजाक करना शुरू कर दिया। तो वो प्रोड्यूसर का एक लड़का था, उसका नाम था मजीद, वो जरा तेज था, उसने जनाब एक आदमी को गाली दे दी और थप्पड़ भी मारा और वहाँ से भगा दिया, वो चले गए। हम शूटिंग में लग गए, 10-15 मिनट के बाद हमें एकदम माँ बहन की गालियों की आवाज़ आने शुरू कर दी। 15-20 लोग हाथों में डंडे और पत्नी क्या क्या पकड़ा हुआ और भागते हुए आ रहे और हमें बुरे लफ्जों से याद कर रहे हैं। मैं उनको देख रहा था और देखते देखते जब मैं वो करीब आया तो मैंने इधर उधर जो देखा तो ना वहाँ प्रोड्यूसर था, ना वो लड़का था जिसे थप्पड़ मारा था, ना डायरेक्टर था, ना कैमरा मैन था, ना कोई इलियास कश्मीर था, ना कोई फाइटर था, सिर्फ आसिया थी और सुल्तान और उसके उनके पीछे मैं था। तो मैंने देखा आसिया क्यों है, मैंने सोचा क्योंकि मैं भी भागने लगा तो देखा आसिया की टांगे कांप रही थी और वो कह रही थी मैंने जान दो राय साहब आगे साहब मैंने जान दो ये मार देंगे। उन्हें इस तरह हाथ फाड़ के मजबूत ना खोलता रहा, कहना तेरे तो पहले मैं मरांगा। उस अकेले आदमी ने 15 या 16 आदमी थे उनके साथ उस डांग से फाइट की जिस डांग पर गड्ढा सा चढ़ा। जब 5-7 गिर गए उसके बाद बाकी भाग गए। ये सुल्तान राय था जो फिल्म का हीरो था, ऐसे भी हीरो था, ऐसे भी हीरो था। जब उनका जनाजा जा रहा था मुझे याद है, इधर बालकोनी में बेशुमार औरतें खड़ी थी, हो रही थी, मेरे कानों में आवाज आई कि हुण जो किसे दी धी भैन दी इज्जत खतरे च होगी तो कौन बचाएगा। तो उस वक्त मुझे वो वाकया याद आया सुल्तान राय। अब वो 73 की बात थी, अब आपको मैं 88 की बात बता दूँ। शबाब स्टूडियो में शूटिंग थी, 12-13 शूटिंग हो गई। तो एक शूटिंग करता था तो उसको कहते थे आप बंद कर दें, फिर दूसरा शार्ट किया, 6-7 फिल्मों की शूटिंग। वहाँ एक और भी आर्टिस्ट की शूटिंग थी, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, नाम नहीं लूँगा चुके मर चुके हैं। वो इस बात से झगड़ा हो गया और गाड़ी पकड़ी, मुझे साथ लिया किसी को, ये इस कमरे में हम एंटर हुए। आगा साहब आगे बैठे हुए अकेले, अब जो दरवाज़ा खोला और ये खड़ा हो गया, कह रहे आगा साहब मैं एक गल सुनी है, शबाब सुनी छे वाकई सही है, और कहते हाँ सही है, कहते आओ मेरे नाल, मैं उदी जंज तो मैं पिस्तौल भी उनके पास। आगा साहब ने कहा यार चलते हैं बात, कहते नहीं नहीं आगा साहब बहुत जिद है तो कह लगा बैठो 2 मिनट सिर्फ। हम बैठ गए, कहते यार मैं कुछ पढ़ रहा था, जाने से पहले एक दुआ मांगते हैं, मैं दुआ मांगूंगा तुम सिर्फ आमीन कह रहे हैं, हमने हाथ उठा ले तो दुआ क्या मांगते हैं उस शख्स के बारे में, या अल्लाह उस शख्स को हिदायत दे दे, या अल्लाह मैंने उसे माफ किया तू भी उसे माफ कर दे। इतना मैं वहां रोया नहीं जितना मैं उस वक्त रोया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आगा साहब किसी की इज्जत का मसला था आप लड़ पड़े थे, कहता यार मेरी इज्जत का मसला था मैं नहीं लड़ा, किसी की इज्जत का मसला होगा मैं फिर लड़ूंगा। ये है सुल्तान राय, ये है इंसान जिसके पास ताकत भी हो
इख्तदार भी हो, कब्जा भी हो, और इसके बावजूद वो इंतकाम न ले, वो माफ करने का आदी हो। ये वो सबक जो मैंने उससे सीखा। लिहाजा किसी ने कोई मेरे साथ ज्यादती की, अक्सर करते हैं, तो मैं एक ही दुआ मांगता हूँ, याद जिनको मैं नहीं माफ कर सका मुझे याद ही उनको भी माफ कर, जिसने मेरे साथ ज्यादती की उनको हिदायत देना। ये मैंने अपने मुर्शिद सुल्तान राइसी से सीखा, वो इस दौर का नहीं, वो आने वाले दौर का भी। आप लिखते जाएं, लिख के रखें, ये इंडस्ट्री जिसका उरूज, जिसकी शान और शौकत को अपने साथ लेकर चला गया, इसे कोई माइल का लाल वापस ला कर दिखाए तो दिखाए, वो मुश्किल नहीं दिखाएगा। वही एक्टर, कितने एक्टर हैं, किसी का नाम याद है? वही एक्टर वो नाम नहीं पैदा कर सके। लिहाजा आप उनकी इस वफात पर ये सबक जरूर लेकर जाए। अगर कोई आपको गाली दे अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे तो भी माफ कर। कोई रिश्तेदार आपसे ना मिलना चाहे, आप उससे जरूर मिले, खा वो आपके मिलने में आपकी बेइज्जती हो, क्योंकि ये मेरे सरकार का हदीस है कि अगर किसी को मिलने में रिश्तेदार को तुम्हारी बेइज्जती हो तो ये बेइज्जती करवा लेना, कयामत के रोज इस बेइज्जती का बदला। जहाँ तक हैदर सुल्तान का ताल्लुक है, इसको मैंने बहुत अरसा पहले कहा था, जब मैंने दुनिया देखी थी मैं इसको दिया था कि अगर आप थैंकफुल हो गए, इस काम से मोहब्बत करें, इस पर लापरवाही नहीं करें, आपको कोई नहीं पकड़ सकता। इससे थोड़ी देर कर, बच्चा था, उम्र भी ऐसी थी, और सोने के मुंह में, वो कहते हैं मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, इसको सुल्तान राय का वो माजी याद होता, मेरा माजी याद होता तो ये ऐसा ना करना। लेकिन अब ये संभल गया है, और आज मेरी पेंटिंग वही है, ये लिख लें, आने वाले दौर में एक ही एक्टर होगा, उसका नाम है।